फिर फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है MDH। अब MDH वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, A1 B1 H1 upon W1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 upon W2। तो आप कहोगे MDH क्या होता है? MDH मसाला तो नहीं है, लेकिन मसाला एक तरह ही काम करेगा। MDH M1 B1 H1 बटा W1 बराबर तो M2 D2 W H2 बटा W2। तो अब यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, ऐसे तुम भाई अनको तो आइए नहीं वही को नहीं फोक्स इधर है तो तुम है कोई दिक्कत। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन अपना है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, एम का मतलब, हाँ, एम का मतलब मजदूर। एम का मतलब क्या होगा? मजदूर। डी का मतलब दिन। एच का मतलब घंटे, आवर। तो डब्ल्यू वन का मतलब था कार्य, कितना कार्य किया, क्या काम किया। इसी तरह से एम टू मजदूर, डी टू दिन, एच टू आवर घंटे, और W2 मतलब कार्य। प्रश्न आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, 15 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में 400 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। कितने मीटर लंबी दीवार बनाई? 400 मीटर लंबी दीवार। तो बताइए कि कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिन बना पाए? 120 मीटर लंबी दीवार बना दे। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 15 मजदूर, एम की जगह अपन कितना लिखेंगे? 15। डी वन कितने दिन? 16 दिन। घंटे कितने घंटे काम करेंगे? 5 घंटे। अब कितना कार्य करेंगे, कुल कार्य कितना करेंगे? 400 मीटर लंबी दीवार। दीवार कितनी बनाएंगे? 400 मीटर। एम टू का मतलब होता है कितने मजदूर, ये पूछा है। तो एम टू अपने पास अभी ज्ञात नहीं है अपने को। दिन कितने दिन में काम करें? 12 दिन में। कितने घंटे रोज करेंगे वो? 6 घंटे प्रतिदिन काम। और कितने मीटर लंबी दीवार बनाएं? 120 मीटर लंबी। ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन लगता बहुत हार्ड है। आप सोचोगे कि इतना कठिन क्वेश्चन कैसे आ गया। कुछ नहीं करना, M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 W2। ठीक, कुछ देखिए, अब इसको सोल्व कर ले अपन। देखिए, 5 से काटा, 5 8 40 0, 16 से काटा, 16 5 80, 5 से काटा, 5 3 15, यहाँ सब कट गए, 3 बचे केवल। इसी तरह इधर काटेंगे, 12 1 12 12 धाम 120, 2 3 6 2 5 10, कुछ भी नहीं बचा। आइए, 3 से इधर के 3 कट गए, बचे 5। तो M का गुणा इधर करेंगे, 5 का गुणा इधर करेंगे। M2 बराबर 5 दिन, 5 यानी मजदूर, कितने मजदूर काम कर लेंगे? 5 मजदूर। दीवार 120 मीटर ही है, इसलिए 5 मजदूर ही इसको बना देंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, एक सेकंड में सोल्व हो गया। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लीजिए। पच्चीस मजदूर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो चार मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए मजदूर और दिन, देखिए 25 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन। फिर कह रहे चार मजदूर, माना कि एक दिन में काम पूरा होगा, काम कितने दिन पूरा होगा? एक दिन। अब यह ध्यान से देखिएगा कि मजदूर 25 से 4 हो गए, मजदूर कम हो गए, तो दिन बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे, एक तरफ कम हुआ एक तरफ बढ़ा, इधर कम हुआ तो इधर बढ़ेगा, दिन इसका बढ़ेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण, कौन सा विचरण हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 25/4 बराबर x/12, और 4x 25 × 12, और 4 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 4 × 12 25 × 75, 75 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में काम पूरा होगा? 75 दिन में। आयोग की क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, 75 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय।